डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 64 को कंप्लीट करेंगे। ये क्लास 5 का मैथ है, चैप्टर 12, मेजरमेंट ऑफ टाइम इसमें दिया हुआ है। समय को हम लोग किस तरह से मापेंगे इसके बारे में बताया हुआ है। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले का एक्सरसाइज मैं आपको दे चुका हूँ। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 45 मिनट्स 38 सेकेंड एंड 30 मिनट्स 42 सेकेंड्स, इसको ऐड करने के लिए दिया हुआ है। ऐड मतलब जोड़ना है, तो ऐड करना है। यहाँ पे मिनट्स जो सेकेंड या मिनट्स जो ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे इस तरह से सिंपली ऐड नहीं करना है। अगर यहाँ पे 60 से अधिक आता है तो यहाँ पे इधर ले जाना है आप लोगों को, क्योंकि 60 सेकेंड या 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर या 1 मिनट हो जाता है। जैसे सेकेंड है तो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट और 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, इस तरह से। तो यहाँ 60 से अगर ज़्यादा आता है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको 60 माइनस करके 1 इधर बढ़ा देंगे और जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 82, इधर हम लिख के देख लेते हैं। तो 82 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 0 हो गया, और 43 7 7 और 1 8 हो गया 8। इसका मतलब है कि 80 आ रहा है, तो इसमें से हमको 60 माइनस कर देना है। तो इसमें 60 हम माइनस कर दिए तो 20 बच रहा है, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे, 20 लिख दिए। और यहाँ पे जो 60 इधर चला गया वो यहाँ पे आके 1 मिनट बन गया, यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, इधर 1 आ जाएगा। और 5 और 1 6 हो गया 6, और ये 43 7, ये हो गया 76 मिनट्स 20 सेकेंड्स। और इसका आंसर हो जाएगा 76 मिनट, मैं शॉर्ट में MIN लिख देता हूँ, मिनट, और 20 सेकेंड, ये हो गया। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 17 मिनट्स 25 सेकेंड्स एंड 29 मिनट्स 39 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 17 मिनट्स उसी को लिखा हुआ है मिनट्स में, और सेकेंड इसका अलग अलग घर बना दिया गया है मिनट्स का और सेकेंड का, और फिर इसको ऐड करना है 25 और 39। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं, 9 और 5 हो गया 13, हो गया 14, हो गया 14 का 4 हो गया 4, और 1 बच गया 1, और यह 3 5 हो गया, और 1 6 हो गया 64। इसका मतलब है कि 60 जो है हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा इसमें, और 64 इसमें से 60 चला गया, तो 60 चला गया तो यहाँ पे 4 बच गया सिर्फ 4, और यहाँ पे 7 8 हो गया, 8 और 9 17 17 7 हो गया, 1 बच गया, और यहाँ पे 2 और 3 हो गया, और 1 4 हो गया 47। तो 47 मिनट हो गया और 4 सेकेंड हो जाएगा, इसको हम अलग से लिख सकते हैं, 47 मिनट 4 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा इसका, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, 40 आवर्स 55 मिनट्स एंड 37 आवर्स 32 मिनट्स, इसको ऐड करना है। 40 55, यहाँ पे आवर्स और मिनट्स में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी 60 का चलेगा, 60 अगर आता है तो 60 को हम लोग साइड करेंगे और जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 55 हो गया, तो यहाँ पे 5 और 2 7 हो गया 7, और यहाँ पे 8 हो गया, तो 87 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 60 इसमें से निकाल देंगे, तो इसमें से कितना बच जाएगा, 20 और 7 27 बच जाएगा। तो यहाँ पे 27 हो गया, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आवर आ गया, 7 1 8 हो गया, और 437, इसका मतलब है कि 78 आवर्स 27 मिनट्स हो जाएगा, 78 आवर्स 27 मिनट्स, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, 39 आवर्स एंड मिनट्स में इसमें भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, 8 9 17 हो गया, 1 बच गया, और यहाँ पे 6 और 1 7 हो गया, तो इसमें से 60 निकाल दिए, तो इसमें 10 और 7 17 बच गया, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा 17, और इसमें जो है 1 इसमें ऐड हो गया, तो 10 और 5 15 हो गया, 15 और 1 बच गया, तो 5 और 1 6 हो गया, 65 आवर्स 17 मिनट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में यहाँ पे आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स तीनों दिया हुआ है, 3 आवर्स 40 मिनट्स 37 सेकेंड्स एंड 5 आवर्स 26 मिनट्स एंड 28 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आवर मिनट और सेकेंड, फिर आवर मिनट और सेकेंड, इस तरह से इसको आवर्स मिनट और सेकेंड में सजाया गया है।
तो इसको हम लोग यहाँ पे भी सेम वैसे ही चलेगा, अगर 60 से अधिक आता है तो यहाँ पे एक मिनट बढ़ जाएगा, और इसमें अधिक आता है तो इसमें आवर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 7-8 हो गया, 15 हो गया, हम लोग इधर बगल में लिख लेते हैं 15, 1 बच गया, और 6 हो गया, 65 आ गया। तो मतलब है कि यहाँ पे हम सिर्फ 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 1 बढ़ गया। तो इसमें भी हम लोगों को इधर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इसमें 60 से अधिक आ जाए। तो 6 और 1 7 हो गया, और 4 2 6 6 हो गया। तो 60 इसमें से भी हम हटा देंगे तो बच जाएगा, 67 है तो 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे 7 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया इसके साथ, तो 8 हो गया यहाँ, और 1 9 हो गया। ये इसका मतलब है कि ये 9 आवर्स हो गया, 7 मिनट्स हो गया, और 5 सेकेंड्स हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे उसी तरह का दिया हुआ है, आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स, इसमें भी उसी तरह का दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको सजा दिए हैं पहले से, इसमें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे, ये हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, 78 आ रहा है। तो इसको हम इसमें से 60 निकाल देंगे, तो 60 निकालने के बाद कितना बच जाएगा, 10 और 8 18 बच जाएगा। तो 18 हम 18 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे 18 हो गया, और यहाँ पे तो 1 इसमें ऐड हो गया, तो इसको भी हम लोग 10 हो गया, और 16 हो गया, 6 लिख लिया, 1 बच गया है। तो यहाँ 7 और 1 8 86 हो गया। अब इसमें से हम 60 निकाल लेते हैं, 60 माइनस कर देते हैं 60, तो 6 हो गया, और यहाँ 26 हो गया, 26 तो हम यहाँ 26 लिखेंगे, 26, और यहाँ पे 1 जो है ऐड हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया, तो 0, 1 बच गया, 3 4 ये हो जाएगा, मतलब 40 आवर्स 26 मिनट 18 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे डेज और आवर्स में दिया हुआ है, तो 8 डेज 19 आवर्स एंड 5 डेज 14 आवर्स। यहाँ पे अगर 24 से ज़्यादा होता है तो वो 1 डे बन जाएगा, और इधर 8 हो जाएगा। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, और इसको जोड़ने के बाद इधर देखते हैं, ये कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 1 बच गया, 2 और 1 3 हो गया, मतलब 24 से ज़्यादा हो रहा है। इसमें से 24 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 13 4 9 ये कट गया, 0 हो गया। तो 9 आवर्स ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 8 5 13 हो गया, और 1 14 हो गया, 14 डेज 9 आवर्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गया कंप्लीट। उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है 12 डेज 15 आवर्स, और 26 डेज एंड 13 आवर्स। तो यहाँ पे पहले आवर्स को हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 5 3 8 हो गया, इसको हम इधर लिखते हैं 8, और 2 28 हो गया, 28 हो गया। तो इसमें 24 में से 4 ज़्यादा है, तो हम इसको 4 सिर्फ लेते हैं, तो यहाँ पे हम 4 ले लिए, और यहाँ पे 1 ऐड कर दिए, तो 3 और 6 9 हो गया, और यहाँ पे 3 मतलब 39 डेज 4 आवर्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ईयर्स दिया हुआ है एंड मंथ्स दिया हुआ है, ईयर्स एंड मंथ्स। तो मंथ्स में अगर 12 से ज़्यादा होता है तो यहाँ ईयर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि 12 मंथ्स में एक 1 ईयर होता है, तो इसलिए यहाँ पे 8 9, यहाँ 17 हो रहा है, 17 मतलब 12 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है, 17 हो गया, तो 5 मतलब 5 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 12 इधर चला जाएगा, 5 और यहाँ पे 1 चला गया, ईयर्स में 12 मंथ्स में 1 ईयर्स हो गया, तो 5 1 6 हो गया, और 4 10 0 1 बच गया, 3 और 1 4 40 ईयर्स 5 मंथ्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी उसी तरह का दिया हुआ है ईयर्स और मंथ्स में। तो यहाँ पे 11 और 5, तो यहाँ पे 16 हो गया, 16 मतलब 12 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 4 ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे 4 लेंगे, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 और यहाँ पे 1 ईयर्स बढ़ गया, तो 9 1 10 हो गया, फिर 0 यहाँ पे आ गया, और 1 4 और 1 5 50 ईयर्स 4 मंथ्स, ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। उसी तरह से
क्वेश्चन नंबर 11 में मंथ्स डेज दिया हुआ है, मंथ एंड डेज। तो मंथ में 30 डेज से अगर ज़्यादा आता है तो मंथ में ऐड हो जाएगा, या 30 आता है तो इसमें मंथ में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ 28 है और 2 ले लिए तो 30 हो गया और 10 बच गया, मतलब 10 बच रहा है, यहाँ पे 40 हो रहा है। तो 10 हम रखते हैं और 30 जो हो रहा है वो 1 मंथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 12 का 2 और 1 बचा हुआ है तो ये 2 हो गया। तो मतलब 22 मंथ्स और 10 डेज, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 12, रोनित स्टेड 3 years 8 months इन चेन्नई। रोनित जो है चेन्नई में 3 साल 8 महीने तक रुकता है और 4 years 9 months इन कोलकाता, और कोलकाता में 4 साल 9 महीने तक रुकता है। हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे इन दिस टू प्लेसेस, इन दोनों जगहों में वो जितने समय तक रुकता है, कितने समय तक रुकता है, तो उसको जोड़ के बतलाना है। तो यहाँ पे 8 9 हो गया, तो इसमें 8 करना है, 8 9 हो गया 17 हो गया, तो 17 12 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 और यहाँ पे 1 ईयर्स ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब है कि 8 years 5 months वो रुकता है दोनों जगह पे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 64 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 65 लिख के रखा हूँ, मैं आप लोगों को जल्दी ही इसका आंसर बना के दूंगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं इसको पढ़ने के लिए।